और जब भी तुम्हें दर्द होगा तो तुम दवा तो ढूंढोगे ही। दर्द यानी दवा की तलाश, इस वक्त तुमको कोई पूछ नहीं रहा होगा क्योंकि तुम्हारी जेब में पैसा नहीं। ने गरीबी की एक नई परिभाषा निकाली, 95% लोग फालतू की बात करते हैं। यहाँ के आदमी के लिए स्त्री किससे प्रभावित होती है? डीओ से। जैसे हम तुम है मिडिल क्लास के लोग साइकिल पे चलने वाले और टक्कर लेने की सोच रहे हैं हवाई जहाज वालों से, तो तुम्हारा दिमाग कितना काम, तुम एक सेकंड रुक नहीं पा रहे हो इंस्टाग्राम पे, भागते जा रहे हो और वो दिमाग तुम चाहते हो किताब में रुकेगा। अंग्रेजों की एक आदत, पश्चिम की एक आदत, योग्यता को बहुत प्रमोट करते हैं, उनके लिए जातिवाद मैटर नहीं करता। अभी तो सबको शासन कर रहे हैं, कुछ भी बेच देते हैं इंडिया में, कुछ भी बनाते हैं, कुछ भी बुरादा उरादा भर के कॉम्प्लेन बना दिए, पैसा उनके पास आई है ऐड कर देते हैं, कुछ भी पिला रहे हैं इंडियंस को। जो अमेरिका अमेरिका में नहीं बिकता उस पर नई लेवल लगा के इंडिया भेज दी, भेज दो तो खरीद लेते हैं ये लोग। यहां के आदमी के लिए स्त्री किससे प्रभावित होती है? डीओ से। जाहिल हैं? वो शंकर जी को नहीं देख पा रहा है कि स्त्री किससे प्रभावित होती है, वो टीवी देख रहा है, इसलिए तो उसको इडियट बॉक्स कहते हैं। टीवी देख रहा है, टीवी प्रचार दिखा रहे हैं कि देखो डीओ लगाया लड़का, और डीओ लगा कर बाहर निकला वो परियां गिर रही आसमान से। तभी तो वो कह रहे हैं कि धार्मिक ग्रंथ मत पढ़ो, रामचरितमानस क्या है, रावण रथी विरथ रघुनाथा, लंका कांड 18वां श्लोक, रावण रथी विरथ रघुनाथा। रावण के पास रथ है, मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू से आ रहा है वो मैदान में, और रघुनाथ पैदल है बिना चप्पल के। राम देख विभीषण भयो अधीरा, विभीषण देख रहा है तो अधीर हो रहा है अंदर अंदर, कह रहा प्रभु तो भौकाल में आ रहा, प्रभु बोले आने दे भौकाल में, इसके पास मर्सिडीज है, मेरे पास साहस है, हिम्मत है, शौर्य है, इसको मारेंगे, इसकी मर्सिडीज छीन लेंगे, आ जाना लंका कांड पढ़ना 18वां अध्याय 18वां श्लोक लंका कांड, रावण रथी विरथ रघुनाथा। तो जैसे हम तुम है मिडिल क्लास के लोग साइकिल पे चलने वाले और टक्कर लेने की सोच रहे हैं हवाई जहाज वालों से, तो टक्कर लेने की भावना कहां से आ रही है? अंदर से। यह है धर्म। शंकर जी को नहीं देख पा रहे, उनकी पत्नी ने कहा कि घर बनवा दो मेरे लिए, बोले बनवा देंगे, कुबेर को पकड़ लाए कि मेरी वाइफ पत्नी के लिए घर बनाओ सोने का, सोने का। बॉलीवुड गाना दिखा रहा है, सिंपथी गेन कर रहा है लड़के के लिए, चांदी की दीवार न तोड़ी प्यार भरा दिल तोड़ दिया, एक धनवान की बेटी ने निर्धन का दामन छोड़ दिया, एक तो भिखमंगे ऊपर से प्यार कर रहे हो, इतनी हिम्मत है तुम्हारी, और यही सब तुम लोग देखते हो। जहां से तुमको ताकत मिलनी है वो तुम कर ही नहीं रहे हो। उल्टी सीधी चीज तुम्हें सिखा रहा है, मैगी खिला रहा है। एक भाई सुबह बैठ के एक थाली मैगी खा रहे थे, मैदा, 2 मिनट की मैगी, 1 मिनट का इंस्टाग्राम, शरीर भी खोखला हो रहा है, दिमाग भी खोखला हो रहा है। 2 मिनट सर, तुम्हारा दिमाग कितना काम, तुम एक सेकंड रुक नहीं पा रहे हो इंस्टाग्राम पे, भागते जा रहे हो और वो दिमाग तुम चाहते हो किताब में रुकेगा। लाइव उसको मौका दिया पश्चिम के लोगों ने, कहा जाओ खेलोगे, सेकंड डाउन हमको उतारो साहब, इतना मारेंगे इनको पलट कर, और दे दी अंग्रेजों ने कमांड। और अब चेस के गेम में और मोनार्की में, और जब भी तुम्हें दर्द होगा तो तुम दवा तो ढूंढोगे ही, दर्द यानी दवा की तलाश। मीटिंग चल रही थी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ईस्ट इंडिया कंपनी की, उसमें एक आदमी खड़ा हुआ था मीटिंग में, संकट अवसर है किसके लिए, योग्य व्यक्तियों के लिए। तुम में से बहुत लोग इतने भाग्यशाली हो
पर तुम्हें पता ही नहीं कि तुम भाग्यशाली हो। इस वक्त तुमको कोई पूछ नहीं रहा होगा क्योंकि तुम्हारी जेब में पैसा नहीं है। कितना भाग्यशाली हो तुम। जिस वक्त तुम्हें पढ़ना है उस वक्त तुम्हें कोई पूछ ही नहीं रहा, लेकिन तुम दुखी हो। इसे रिक्शा वाला दुखी है कि भैया हमारे पास पैसा नहीं। अरे जाहिल, जिसके पास है उसको डायबिटीज है, और डायबिटीज मनुष्य को खत्म कर देती, इंपोर्टेंट बना देती, नपुंसक। बिना शुगर के ऊर्जा कहां बनेगी शरीर में? शरीर में जो ताकत बनेगी वो शुगर से ही तो बनेगी, और शुगर तुम ले नहीं सकते तो ताकत कहां बनेगी? मैं ने गरीबी की एक नई परिभाषा निकाली, जो डायबिटिक है वो गरीब, जो मिठाई नहीं खा सकता 2 किलो 3 किलो। कल दुनिया में जो मिठाई नहीं खा पा रहा उसके जीने से फायदा ही क्या है? चावल नहीं खा पा रहा, अरे भैया सुगर बढ़ जाएगी। 40 के बाद उम्र है तो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, मान लेते हैं, पर तब पर भी नहीं मानेंगे। कुछ लोगों तो खैर अनुवांशिक है, वो एक अलग चीज है। कुछ लोगों को जेनेटिक होती है, जेनेटिक घर में चली आ रही तो वो चली ही आ रही। तुम कितने भाग्यशाली हो, तुम लोगों से रिश्ता बनाना चाह रहे हो कि कोई तुमसे बोले अच्छा है, नहीं बोल रहा है। 95% लोग फालतू की बात करते हैं। इतने सारे लोग यहां बैठे हो, बजट आए हुए 15-20 दिन हो गया ना, है ना? बताओ स्माइल क्या है, बताओ? नहीं पता। सप्त ऋषि बताओ क्या है, बताओ? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 क्या है? ये देखो तुम आईएएस की तैयारी कर रहे हो, तुम अगर वोट देने जाओगे और तुम्हें इकोनॉमी पता नहीं तो तुम वोट किस पे दोगे? जातिवाद पे ही तो दोगे। तुमको बजट कुछ पता ही नहीं कि सरकार तुम्हारा पैसा कहां खर्चा कर रही है, तो जो चीज तुम्हें पता ही नहीं तुम उस पर वोट कैसे दे सकते हो? तुमको पता जातिवाद है तो तुम पढ़े लिखे लोग हो इस देश के, और तुमको बजट तैयार नहीं अभी आया है, और तुम्हारा इकोनॉमी का टीचर तुमको आगे पढ़ा भी रहा है,